Good day, dear student. Our topic is role of gypsum in agriculture and industry. Role of gypsum in agriculture. Gypsum is a hydrated calcium sulfate as a mineral. Its deposits occur throughout the world. Okay, gypsum basically hydrated calcium sulfate है और इसके deposit पूरी दुनिया में पाए जाते हैं. Gypsum is a source of calcium and sulfur in area where soils are subjected to extensive leaching. Leaching बेसिकली जहाँ पे ऐसी जगह जो ऊंची होती है और जहाँ पे बारिशें ज़्यादा होती है, वो बारिशें वहाँ के जो असेंशियल साल्ट होते हैं उनको अपने साथ भाग के ले जाती हैं. इसके अलावा और कंस्टिट्यूएंट जो होते हैं जो फर्टिलिटी में रोल प्ले करते हैं उनको भाग के ले जाते हैं और वो जगह क्या हो जाती है, बंजर हो जाती है, उसको लीचिंग कहते हैं. जिप्सम बुनियादी तौर पर कैल्शियम और सल्फर की कमी को पूरा करता है और उन जगहों को दोबारा जरखेज करने में अपना रोल प्ले करता है. सल्फर इज अ मेजर कंस्टिट्यूएंट ऑफ प्रोटीन एंड इन्फ्लुएंस ऑन क्लोरोफिल इन लीव्स. पहले नंबर पे तो सल्फर प्रोटीन में अपना उसका अपना रोल है. इसके अलावा गो के डायरेक्ट तो क्लोरोफिल नहीं बनाता सल्फर, लेकिन वो उस पर अपना रोल प्ले करता है. आपको पता है क्लोरोफिल पौधों के अंदर मौजूद होता है जो पौधों को अपनी खुराक बनाने में मदद देता है फोटोसिंथेसिस के थ्रू. तो सल्फर की कमी से जो पत्ते होते हैं वो पेल येलो कलर देते हैं और वो ये शोर एक बीमारी की अलामत है. इट इन लार्ज रूट सिस्टम इन प्लांट और इसकी मदद से पौधे अपनी जो रूट सिस्टम है जो पानी ऑब्जॉर्ब करने का जो चैनल है उसको ये बढ़ा देते हैं. रोल ऑफ जिप्सम इन इंडस्ट्री. व्हेन जिप्सम इज हीटेड इट लूजेज 3/4 ऑफ वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन एंड फॉर्म प्लास्टर ऑफ पेरिस. आपको पता है प्लास्टर ऑफ पेरिस हमारा रोजमर्रा जिंदगी के अंदर बड़ा रोल प्ले करती है. Strongly heated gypsum form anhydrous salt. ये क्या बनाते हैं, anhydrous salt बनाते हैं अगर उसको बहुत ज्यादा हीट किया जाए. Such plaster are called dead burn. उसको हम क्या कहते हैं, dead burn कहते हैं. Basically ये वो plaster है जिसमें पानी totally निकाल दिया जाता है और वो dead burn हो जाते हैं. Viscous mass create a sharp impression within 10 minutes with expansion of 1%. कि अगर गूंद बना दी जाए प्लास्टिक ऑफ पेरिस की तो वो एक तो 10 मिनट के अंदर खुशक हो जाता है, दूसरे नंबर पे उसकी एक्सपेंशन है जस्ट 1% होती है, थोड़ा सा एक्सपेंड होता है, जिससे क्या होता है जो चीज बनती है, जो इंप्रेशन बनता है या जो स्केच बनता है वो अपनी मसाल खुद रखता है एक. इट इज यूज इन मेकिंग प्लास्टर वॉल्स कास्ट ऑफ स्टेचरी एंड कोइन. के इससे प्लास्टर की दीवारें बनती है. जो बुत है, बुत साजी की सनत में ये बहुत ज्यादा यूज होता है और अच्छे शेप के जो है ना वो स्टेचरी पैदा किए जाते हैं. इन सर्जरी प्लास्टर ऑफ पेरिस बैंडेज आर यूज्ड फॉर होल्डिंग इन प्लेस फ्रैक्चर बोन. इसके अलावा सर्जरी के अंदर प्लास्टर ऑफ पेरिस टूटी हड्डियों को जोड़ने के लिए जो ऊपर पट्टी लगाई जाती है उसको मजबूत कर देता है. टू वराइटीज ऑफ प्लास्टर्स आर मेड है. नंबर वन है सीमेंट प्लास्टर, ऐसे प्लास्टर जो सीमेंट के तौर पे काम करते हैं और बड़ी जल्दी खुशक हो जाते हैं उसको सीमेंट प्लास्टर कहते हैं. नंबर टू क्या है, हार्ड फिनिश प्लास्टर है. इसके अंदर आमतौर पे आयलम या बोरेक्स डाला जाता है. दिस प्लास्टर सेट स्लोली बट गिव अ हार्ड फिनिश. ये तो खुशक तो थोड़ा सा लेट होते हैं लेकिन इनका जो सच्चे से निकला हुआ जो भी प्रोडक्ट निकालते हैं उस सच्चे के हिसाब से वो अपनी मसाल खुद रखता है और एक अच्छा फाइन कट वो शो कर रहा होता है. नेक्स्ट है रोल ऑफ जिप्सम इन इंडस्ट्री. इंडस्ट्री के अंदर जिप्सम का रोल है. बोर्ड्स आर फॉर्म बाय मिक्सिंग इट विद वुड पल्प. आमतौर पे जब वुड पल्प के अंदर प्लास्टिक ऑफ पेरिस डाला जाता है तो उससे क्या बनते हैं, बोर्ड बनते हैं. जैसे ये बोर्ड है आमतौर पर रोजमर्रा जिंदगी के अंदर हमारे इस्तेमाल होते हैं. यूजेज वॉल बोर्ड, उसको वॉल बोर्ड के तौर पे भी यूज किया जाता है, दीवारों के साथ लगाया जाता है और अच्छी वो दीवारें जो है ना लुक देती हैं. इसके अलावा पार्टीशन के तौर पे यूज किया जाता है. जैसे बड़ा हॉल है वहां पे ऑफिस क्रिएट किए जाए तो वहां पे इन बोर्ड को खड़ा करके अलग-अलग पार्टीशन बनाई जाती है. जिप्सम यूज एज अ फिलर इन पेपर इंडस्ट्री, और पेपर इंडस्ट्री के अंदर वो एज ए फिलर के तौर पर काम होता है. ये वुड के अंदर भी एज ए फिलर, जैसे ये देखे गैप नजर आ रहे हैं और प्लास्टिक ऑफ पेरिस इनको भर देता है, इसको वो पॉलिश की जाए तो वो पता नहीं चलता है कि ये लकड़ी खराब थी. इस तरह वो जो पेज हल्का होता है उस पर स्याही फैल जाती है, अगर उसके अंदर उसके मुसामों को फिल कर दिया जाए प्लास्टिक ऑफ पेरिस के साथ तो वो पेज पे स्याही नहीं फैलेगी, यानी अच्छी एक किस्म का पेज पैदा किए जाते हैं प्लास्टिक ऑफ पेरिस एज ए फिलर यूज करके. पोर्टलैंड सीमेंट क्लिंकर आर फाउंड बाय क्ले एंड लाइमस्टोन.
कि पोर्टलैंड सीमेंट के अंदर क्ले और लाइमस्टोन मिला के क्लिंकर बनाए जाते हैं, छोटे छोटे ऐसे आप कह लो कि दाने से होते हैं और बड़े हार्ड से होते हैं, उनको पीस के उसके अंदर 2% जिप्सम डाला जाता है। इससे जो सीमेंट बनता है, सीमेंट उसका सेटिंग टाइम बेहतरीन हो जाता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड प्लीज सब्सक्राइब द चैनल।